आम चुनाव अब बेहद करीब है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कभी किसानों के बीच जा रहे हैं तो कभी बुद्धिजीवियों से चर्चा कर रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने करीब 3000 छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सवाल जवाब में मोदी सरकार को जमकर घेरा। कहते हैं, जिसने युवाओं को जीत लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। इसीलिए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही युवाओं को साधने में जुटे हैं, ताकि 2019 की चुनावी जंग का नतीजा उनके हक में किया जा सके। 2014 में बीजेपी की जीत में युवाओं ने अहम रोल अदा किया था, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन्हें अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी बात राहुल के साथ कैंपेन के जरिए युवाओं से जोड़ रहे हैं। आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के करीब 3000 छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी से लेकर किसानों तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राहुल ने कहा कि जब सरकार को कहते हैं कि वो शिक्षा के लिए मदद करें, तो हमारा मतलब बैंक खर्च को आसान बनाने, छात्रवृत्ति अधिक विश्वविद्यालयों को जोड़ने से होता है। बीजेपी राज में इनमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के युवाओं में जो गुस्सा फैल रहा है, उसका मूल कारण बेरोजगारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर विश्वविद्यालयों के कामकाज में भी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, जबकि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। राहुल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की नीतियों से सब बर्बाद हो गया है, हमारी सरकार सत्ता में आई तो काफी कुछ नया होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।